नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ माधुरी कलाल और इस वक्त राम की धरती अयोध्या पर है। सरयू माँ इस वक्त भी कार्तिक पूर्णिमा की पावन वेला की साक्षी बन रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और 9 नवंबर की मनाई जाने वाली दीपावली दुनिया में अभी भी अमिट छाप छोड़ रही है। लेकिन ये सच है कि जब जब राम की बात होगी तब तब नए भारत की बात होगी, और जब जब नए भारत की बात होगी तब तब राम के राम राज्य की परिकल्पना की बात होगी। फैसला ऐतिहासिक हो चुका है और उसके बाद सभी की नजर इस पर कि अब नए भारत की वो परिकल्पना जो राम राज्य के साथ की जाती थी वो कैसी होगी, वो तस्वीर कैसी होगी। और आज हम भी मां सरयू के साक्षी होते हुए यहां पर मौजूद है और हमारे साथ पूरी टीम है। श्याम सारथी जी, क्या शुरुआत करने वाले हैं आप? जी, मैं एक जो है भजन सुना रहा हूँ। भगवान रामचंद्र जी को सखियां जो है विवाह जब उनका हुआ तो सखियां क्या कह रही है, बड़ा सुंदर भाव। तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा। केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊंट पे सवार बरियाती चलल, दोनों पाल की चढ़ल हो, दोनों पाल की चढ़ल, सुकुमार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा, हाँ तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा, सांवर सांवर सुरतिया, तोहार दुल्हा। तो ये तो दूल्हा गीत गा लिया, लेकिन ये एक बात बताएं कि राम जी को याद करने के कई तरीके हैं। करपात्री महाराज हमारे साथ हैं और करपात्री महाराज आपको कई बार टीवी पर दिखते हैं, लेकिन आज एक ऐसा दोहा हो जाए, ऐसे याद कीजिए राम को कि कैसे भविष्य की कल्पना हम राम को आदर्श मानकर कर रहे हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफुरेन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। आज की सत्ता राम चला रहे हैं, दुनिया में राम एक आदर्श हैं, और हमारे साथ बहुत एक युवा कवि हैं जो युवा जिस राम को जोश, जिस राम के नाम पर जोश के साथ बात करता है, जिस राम राज्य की परिकल्पना करता है, वो नए भारत में कैसे संभव होगा एक युवा के नजरिए से? कि राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करकर अयोध्या लौटे तो वो कोर्ट चले गए, वो इसी चक्कर में फंसे रहे। ये जो फैसला आया है इसके आने के बाद उनका सही से अयोध्या वापसी हुई है उनकी, तो चार पंक्तियां पहले इस पर देखिए कि उनकी अयोध्या वापसी से प्रभाव क्या पड़ा है यहाँ की जनता पर। हिंदू मुस्लिम पास हो गए, राम आस विश्वास हो गए, और सदियों बाद अयोध्या लौटे, खत्म सभी वनवास हो गए। अब जरूरत जो है नए भारत में, राम मंदिर तो बन ही जाएगा, फैसला आ गया है। नारी शक्ति पर अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इस सरकार को
जिनकी हर जगह सहभागिता है हर क्षेत्र में। तो एक छंद में नारियों को समर्पित करते हुए, कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वो एकदम बेकार रहता है, वहाँ उन्नति नहीं होती है। तो इस पर एक छंद देख लीजिए कि ममता था सिंधु के समान धरा पर, हम लोग सरयू की धारा में हैं, पंक्तियाँ सुनिए कि ममता था सिंधु के समान धरा पर, ऐसी नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए और गार्गी या पाला लक्ष्मी बाई जैसी नारियों का नित्य सुबह शाम गुणगान होना चाहिए। तो पन्नाधाय का जो देश प्रति बलिदान रहा उस बलिदान का जयगान होना चाहिए और जयदीप देवी मान पूजी जाए नारी यहाँ, ऐसा हिंदुस्तान का विधान होना चाहिए। हमारे साथ ये अंकित हैं यहाँ पर और ये छात्र नेता रहे हैं। छात्र नेता के तौर पर सबसे पहला सवाल ये है कि युवा जो परिकल्पना करता है नए भारत की, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा फोकस है, वो राम राज्य की परिकल्पना के साथ कैसे पूरा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रति बहुत ही, ज़्यादातर हमारे अयोध्या के प्रति बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, जो कि आज कई वर्षों से इस पे किसी सरकार का डिसीजन नहीं रहा है राम मंदिर बनवाने के संबंध में, और वो संबंध में इन्होंने डिसीजन लेकर राम मंदिर बनवाने का कार्य जो ये किया है, ये इसके हम लोग आभारी रहेंगे युवा वर्ग की तरफ से, और ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। हमारे साथ बहुत अनुभवी अशोक जी हैं, वो बहुत अच्छा कविता पाठ करते हैं, तो क्या सुनाएंगे आज आप? मैं अशोक टाटमबेरी अयोध्या से, राम नाम महिमा पर कुछ पंक्तियां हम बिल्कुल हो जाए। कि ऐसी कौनो ना जगह जाओगे, ऐसी कौनो ना जगह है जहाँ राम नाई बा, ऐसी कौनो ना जगह है जहाँ राम नाई बा, सीताराम से महान कौनो नाम नाई बा, सीताराम से महान कौनो नाम नाई बा। तो शिवजी महामंत्र बतलावे हरदम ध्यान राम मालावे, अरे खा के भांग यो धतूर भी भुला नाई बा, सीताराम से महान कौनो नाम। एक न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, न्यू इंडिया का वो सपना जो सरकार ने देखा है और उसके साथ साथ राम राज्य की परिकल्पना की है, कैसे होगा वो परिकल्पना, कैसे संकल्प के साथ पूरी होगी? लोकाभिरामं रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम सूर्य वंश के हैं और सूर्य का स्वभाव है कि खुद तपता है लेकिन संसार को रोशनी देता है, संसार को प्रकाश देता है, संसार उससे जीवित रहता है। भगवान राम वन गमन गए, केवट उनके मित्र बने, शबरी को तारा, सबको गले लगाया, और जहाँ पर संपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ महाभारत होता है, जहाँ विपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ पर रामायण होता है। यहाँ सत्ता जो है फुटबॉल बनी हुई है, भरत कह रहे हैं भैया बैठेंगे राजगद्दी पे, और भैया कह रहे हैं भरत तुम अयोध्या संभालो, ये एक आदर्श है, विश्व मनीषा के मानबिंदु है हमारे आराध्य देव, और उस आदर्श पे चल के, राम व्यक्ति नहीं है, राम व्यक्तित्व है, राम चित्र नहीं है, राम चरित्र है, और कहना है आपकी समर्पित है उनको पंक्तियां कि रोम रोम में राम बसे हैं संस्कृत के रखवारे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं संस्कृत के रखवारे हैं, शबरी गिद्ध अहिल्या जैसी सापित नारी तारे हैं, और सठ खल कामी दुष्ट जनों का समन किए निज हाथों से, सठ खल कामी दुष्ट जनों का समन किए निज हाथों से, निर्मल मन वाले भक्तों पर सब कुछ अपना वारे हैं। हिंदुस्तान का विधान जो भी हो लेकिन राम राज्य की परिकल्पना जरूर साकार हो रही है, और कैसे हो रही है हमारे साथ श्याम सारथी। देखिए चार पंक्तियां तो भगवान राम जी को समर्पित करते हुए मैंने भी लिखी है कि रात प्रभु ध्यान धर कर शयन कीजिए और प्रात उठ कर बड़ों को नमन कीजिए, और आयु विद्या यशो बल बढ़ेगा सभी, आयु विद्या
यशो बल बढ़ेगा सभी मनु कथन राम सा आचरण कीजिए मनु कथन। और देखिए एक गीत के माध्यम से कि भगवान रामचंद्र जी मिथिला में हैं और सखियां उनको किस तरीके से कितनी मर्यादित गालियां दे रही हैं, एक एक शब्द आप देखेंगे अद्भुत लगेगा। कि राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ तोहरा से पूछी ला ए धनुहा धारी, तोहरा से पूछी ला ए धनुहा तोहरा से पूछी ला ए धनुहा धारी, तोहरा से पूछी ला ए धनुहा। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे करी, बता द बबुआ हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के तीन तीन गोनारी, बता द बबुआ हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल देखन में चोट लागे, देखन में देखन में चोट लागे, देखन में चोट लागे, खाए भर थारी, बता द बबुआ हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मुझे लग रहा है कि राम ही देश को चला रहा है। रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह, इसका नाम राज आर से शुरू होता है। अमित शाह जो है गृह मंत्री है, जिनका नाम ए से शुरू होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है। ये तीनों मिलके होता है आर ए एम, राम। तो राम भी आज देश चला रहे हैं। जैसे गुंगा व्यक्ति कुछ खा ले और मिष्ठान खा ले और उससे पूछा जाए कि भाई इसका स्वाद क्या है, वो नहीं बता सकता, उसी तरीके से हम इस प्रसन्नता को, इस सुख को व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं पा रहे। लेकिन ये गीत के माध्यम थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियां मनाओ ग
गाओ जी मंगल चार, खुशियां मनाओ गाओ जी मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधवान, देखो लड़ियों से मड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी, देखो लड़ियों से मड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब हो शोभा जब बनी, हो शोभा जब हो शोभा जब बनी, हो शोभा जब बनी, देखो लड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी, देखो लड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार शोभा जब बनी। और सचमुच यहाँ की वेला, यहाँ की शोभा सचमुच अद्भुत है। आप एक बार अगर राम नगरी आएंगे और वो भी इस ऐतिहासिक फैसले के साथ, अगर पत्थर से भी पूछें तो वो राम का नाम लेता है। और सचमुच इतनी अद्भुत वेला में ये दौर ऐसे ही चलता रहे और नए भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के साथ साकार होती रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल इतना ही। ये राम धुनी ऐसे ही बजती रहेगी, लेकिन हम आपके साथ मिलेंगे कभी एक और हाजिर होंगे एक बार और, लेकिन इस वक्त के लिए फिलहाल नमस्कार। राम धुनी हमारे साथ बजती रहेगी, नमस्कार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल तारा अवध सर